अच्छा, तो अब इस वीडियो के अंदर हम अपना टैक्स के अंदर काम करेंगे और अपना जो रीस्टार्ट फंक्शन है उसको सही कर देंगे। पहले हम टैक्स बना देते हैं, कन्वर्स हमारे पास आ जाएगा और टैक्स के अंदर हम उसका नाम दे देते हैं स्कोर। अच्छा, ये हम एक ही स्कोर के अंदर काम करेंगे और कन्वर्स का नाम हम यूआई दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो, या नहीं नाम चेंज करना चाहो तो नहीं करो, कन्वर्स ही रखो। और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, इसको रीसेट कर देंगे पोजीशन और इसको नाम दे देंगे गेम मैनेजर। अच्छा, इसका नाम गेम मैनेजर इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास स्कोरिंग का काम कर रहा है एक तरीके से। आप इसके रीस्टार्ट का भी काम करवा सकते थे पर वो मैंने प्लेयर में करवा दिया, कोई मसला नहीं है। स्कोरिंग की स्क्रिप्ट हम यहाँ पे बनाते हैं गेम मैनेजर पे और इसको रीलोड पहले करके और स्क्रिप्ट को लोड करवाएंगे, सही है। तो स्क्रिप्ट मेरे पास आ जाएगी। स्कोरिंग का मेरा सिंपल लॉजिक ये होगा कि टाइम के हिसाब से स्कोरिंग होगी, हर एक सेकंड के अंदर प्लेयर को दो स्कोर मिलेंगे हर एक सेकंड के अंदर। तो इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ अपने मेथड के अंदर, इसको हम बोलते हैं पहले टेक्स्ट बना, पहले वो वेरिएबल बना देते हैं, सॉरी। अच्छा, टैक्स अलाइनमेंट आ गया क्योंकि हमारे पास हमने इंपोर्ट नहीं करवाया है यूजिंग टैग के अंदर, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा देंगे यूजिंग यूनिट इंजन डॉट यूआई, क्योंकि हम अभी टैक्स में काम कर रहे हैं और टैक्स के वेरिएबल की प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं अनेबल करने के लिए वो यूआई और टैक्स का वेरिएबल बना देंगे हम। अच्छा, वेरिएबल स्कोर के नाम से बना दिया और इसके बाद हमने स्कोर का अपना इंटीजर बनाया है जीरो, इसके अंदर जीरो, और टाइमर बनाया हमने जीरो। अगर टाइमर के अंदर हम इंक्रीमेंट करवा देंगे टाइम के हिसाब से और चेक करवाएंगे कंडीशन में से। तो ये स्ट्रिंग हम बना रहे हैं एक प्लेयर स्कोर के नाम से, जो स्ट्रिंग हमारे पास सेव करेगा और इसको फिर हमारे टैक्स ऑब्जेक्ट को असाइन करता जाएगा, सही है। सिंपल, अब अपना जो हमारा फंक्शन होता है फिक्स अपडेट, हम इसलिए वैसे अपडेट में भी काम कर सकते हैं पर फिक्स अपडेट मैंने तजुर्बा किया था तो मुझे ऐसा लगा कि फिक्स अपडेट में सही टाइम चल रहा है। और टाइमर के वेरिएबल के अंदर हम इंक्रीमेंट करवाएंगे प्लस इक्वल टू लिखा है, तो टाइम डॉट जो हमारा डेल्टा टाइम है यानी एक एक सेकेंड हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे टाइमर के अंदर। टाइमर स्टार्ट में जीरो था, पहले सेकंड में वन होगा, दूसरे सेकंड में हमारे पास टाइमर टू होगा। और जैसे ही हमारा टाइमर ग्रेटर देन वन हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आप बोल सकते हैं, मैंने ग्रेटर देन लिख दिया कि वन से जैसे ही ग्रेटर हुआ हमारा टाइमर, तो हम क्या करेंगे कि टाइमर को सबसे लास्ट में रीसेट करेंगे आपसे जीरो से, पर पहले हम अपने स्कोर के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे और स्कोर के टैक्स को चेंज कर देंगे। और ये चीज़ें हम क्योंकि मैंने बोला कि दो का इंक्रीमेंट करूँगा तो हम दो का इंक्रीमेंट करते रहेंगे, सही है। मैंने जो अपने स्कोर का टैक्स था वो अपने पहले स्ट्रिंग में ले लिया और फिर हम इस दो का इंक्रीमेंट करने के बाद अपने स्ट्रिंग के अंदर जो लास्ट नए स्ट्रिंग के अंदर मतलब नया जो टैक्स डालना है हमारे टैक्स वेरिएबल के अंदर जो हमारा स्कोर होगा उसके अंदर हम लिख लेंगे स्कोर के अंदर जो हमने जो हमारी स्कोर का इंटीजर की वैल्यू है उसके अंदर प्लस करवा देंगे। अच्छा, इंट था इसलिए हमने फंक्शन टू स्ट्रिंग लिखा है ताकि वो इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। और आखिर में हम टाइमर को वापसी रीसेट कर देंगे टाइमर इज इक्वल टू जीरो ताकि वापसी टाइमर जीरो हो जाए और इसी तरीके से वापसी टाइमर में इंक्रीमेंट होता रहेगा वन टू, जैसे वन से ग्रेटर होगा तो हमारा चेंज हो जाएगा टाइमर। तो ये हमारे स्कोर की ट्रिक चलेगी। अब यहाँ पे हम स्कोर का जो हमने बनाया था थोड़ा लोड हो जाए, ये लोड हो रहा है मेरे पास, अच्छा हो गया लोड। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने स्कोर को पास करवा दूंगा पैरामीटर में ताकि हम स्कोरिंग के काम कर रहे हैं ना, और यहाँ पे टेक्स्ट रख दूंगा कि स्कोर जो हमने पहले लिखा था, पहले इसके अलाइनमेंट में टॉप लेफ्ट कर दूंगा तो मुझे अपनी टॉप लेफ्ट स्क्रीन नज़र आए, और डबल क्लिक करूंगा और इसको 2D व्यू में शिफ्ट कर दूंगा, सही है। स्कोर पे डबल क्लिक करके 2D व्यू में शिफ्ट कर दूंगा और इसको आपको वापसी 2D से हटाना है तो वापसी 2D पे आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जो लिखता रहूँगा मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, गेम व्यू में भी आप इसको देख सकते हो पर क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन थी इसलिए आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, मैं इसको वाइट कर दूंगा ना तो आपको सही तरह नज़र आएगा। पहले मैं इसकी जो साइज़ और ये चीज़ें सेट कर दूँ, साइज़ ये सही है और इसकी थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे, ये सही है। अच्छा, कलर मैं इसका वाइट कर दूंगा और अगर मैं अब गेम व्यू में देखूं तो मेरे पास स्कोर विजिबल होगा यहाँ पे, सही है। अब इसको इस स्कोर के अंदर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, सही है। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमें जो कैनवास है उसको कॉन्स्टेंट स्केल विद स्क्रीन साइज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब भी स्क्रीन हमारे पास स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो चेंज हो तो उस हिसाब से ये जो हमारे टैक्स है उसको एडेप्ट कर ले, सही है। तो इस हिसाब से हमने आप जैसे रन करेंगे तो सिंपल ये होगा कि हमारा स्कोर आप देख सकते हो कि प्लस होता रहेगा। और इसमें एक मसला होगा कि हमारे पास जैसे हम गेम ओवर भी हो जाती है, मतलब अगर प्लेयर इसको टच कर लेता है और मैं कोई की प्रेस नहीं करता यानी रीस्टार्ट फंक्शन को मैं अभी कॉल नहीं करता तब भी स्कोर हमारे पास प्लस होता रहेगा। मतलब अब देख सकते हैं मैं रुका हुआ हूँ, स्कोर प्लस होता जा रहा है जब तक मैं की प्रेस नहीं करूँ, सही है। तो अब इसको रोकने के लिए और रीस्टार्ट हमारा फंक्शन है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए एक की जैसे बना देंगे कि ये आप की प्रेस करो तो रीस्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर लिए हम एक और कन्वास फ्यूचर में बनाएंगे। पहले तो मैं जो अपना मैथ है जो स्क्रिप्ट है वो सारी मैं शिफ्ट कर देता हूँ अपने एक स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर तक, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट का ज़्यादातर काम हो गया है जो मेन काम था, और स्क्रिप्ट के फोल्डर में और जो अपना फिजिक्स का मटेरियल जो था उसको मैं मटेरियल में शिफ्ट कर देता हूँ, सही है।
अच्छा यहाँ पे मैं एक और टैक्स ऐड करवा रहा हूँ कैनवास के अंदर, जो होल्ड करेगा मैसेज, यानी ये मैसेज होगा कि हम गेम ओवर हो जाती है तो आप बटन प्रेस करो या जो भी आपको काम करना है प्रेस करो, तो एक तरह के यूज़र जो हमारा गेम का जो गेमर है उसको पता चल जाए कि गेम ओवर हो गई है और सारी चीज़ें हम उसको पॉज करवा देंगे, सारी चीज़ें हम डिसेबल कर देंगे, खाली इसको अनेबल करेंगे कि आप जिसे इसको प्रेस करोगे तो हम क्या करेंगे। और इसका मैं लेआउट कर देता हूँ सेंटर और वाइट बैकग्राउंड, यानी इसको हम एम्प्टी रखेंगे फिलहाल के तौर पे, इसको हम जो हमारी स्क्रिप्ट है इसके ज़रिए चेंज करेंगे, सही है। अब इसको एम्प्टी रखेंगे और इसका नाम मैसेज कर देते हैं, या न्यू मैसेज या गेम ओवर मैसेज जो भी आप करना चाहते हो। इसको हम प्लेयर के अंदर रिस्टार्ट जो फंक्शन हमने बनाया था उसके ऊपर काम करेंगे आगे फर्दर कि रिस्टार्ट कैसे करना है हमें। तो यहाँ पे टैक्स का हम नाम से बनाएंगे, पहले स्टार्ट को बना लेते हैं कि, और अच्छा यहाँ पे वो मेरा यूआई इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो क्या इसके अंदर हम टैक्स पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यूजिंग यूआई कर देता हूँ इंपोर्ट, और पब्लिक टैक्स का वेरिएबल बनाता हूँ यही गेम ओवर मैसेज के नाम से, एक स्कोर के नाम से बनाता हूँ और एक गेम ओवर के नाम से बनाता हूँ, ये सही रहेगा कि हम स्कोर जो था उसको भी एक तरीके से वो कर देंगे स्टार्ट में, और कोई मसला वसला ना हो, मतलब एरर जितना मिनिमाइज एरर कर सके हम गेम में वो करना चाहेंगे, और एक स्ट्रिंग बना लेंगे। अच्छा तो प्राइवेट में पी का मसला आ रहा था, अच्छा ये सही, प्राइवेट जो हमारा होता है वो पी इसका स्मॉल होता है, हम सिंपल अब ये कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो स्कोर का टेक्स्ट होगा उसको हम सेव करवा देंगे, और टेक्स्ट के अंदर हम वापसी इसको सेंड करवा देंगे, और इसके बाद एक मैसेज जो होगा वो शो करेंगे कि जो हमारा मैसेज होता है कि गेम है प्रेस टू कंटिन्यू है प्रेस टू री स्टार्ट, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो कि प्रेस करो जर्नल की है, क्योंकि ये की कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल की कोई भी की प्रेस करके आप रीस्टार्ट कर सकते हो, जैसे ही प्रेस करेगा की तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, जैसे हम एनी की प्रेस करते हैं तो इसका टेक्स्ट जो हो जाएगा वो रीस्टार्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रीस्टार्ट जो हमारा होगा वो स्टार्ट में डिसेबल होगा स्क्रिप्ट, जैसे आउट होंगे तो अनेबल होगी, जैसे अनेबल होगी तो हमारे जो जैसे अनेबल होगी तो हम स्टार्ट मेथड हमारे पास पता है एक बार कॉल होता है, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग जो हमारा स्कोर है उसको हम मतलब परमानेंट कर देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास तकरीबन सारा काम हो गया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक तरीके से इसको सम अप कर देंगे और फिर इसका अगली वीडियो में बिल्ड बनाना सीखेंगे कि हम बिल्ड कैसे बनाते हैं। अब हमारा स्कोर आप देख सकते हो कि बार बार चेंज हो रहा है, पर इसको स्कोर की स्क्रिप्ट को हमें बंद करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको डिसेबल कैसे करते हैं। थैंक यू।